आजादी के जश्न के बीच बिहार उत्तर प्रदेश के बीच ऐतिहासिक किला मैदान में फैंसी फुटबॉल मैच संपन्न। स्वतंत्रता दिवस की संध्या के समय फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन ऐतिहासिक किला मैदान में हुआ। रोटरी क्लब लगातार 25 साल से मैत्री मैच आयोजन कर प्रत्येक साल एक नया कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं। बक्सर रोटरेनियन डॉक्टर सी एम सिंह, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह, बक्सर फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंह ने बताया कि प्रत्येक साल मेथोडिस्ट टीबी अस्पताल प्रताप सागर के डायरेक्टर डॉक्टर आर के सिंह अपने सहयोग से जिले में फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन प्रति साल 15 अगस्त की शाम आयोजित कर खेल प्रतिभा को बढ़ाने का काम करते आ रहे हैं। आज आयोजित फैंसी फुटबॉल मैच बनारस एकादश उत्तर प्रदेश बनारस और बक्सर एकादश बिहार के बीच संपन्न हुआ, जहाँ बक्सर 5-1 से जीत हासिल की। आयोजित खेल में बिहार फुटबॉल टीम के मशहूर रेफरी संतोष पांडे टीम ने मैच खेलकर मैदान में दर्शकों को बेहतर खेल प्रदर्शित करने पर खूब वाहवाही लूटी। वहीं इस मामले पर अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। मंच पर आप देख सकते हैं हमारे साथ दिग्गज रोटेरियन डॉक्टर सी एम सिंह, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रोटेरियन आर के सिंह। रोटेरियन में जात नहीं है, रोटेरियन में एक जमात है, पूर्वी जमात के साथ यहाँ पर लोग जमे हुए हैं अपना सफल बनाने के लिए अपने और बहुत सारी औपचारिकताएं इस मैदान पर होने वाली है। हमारा एक आपसे अनुनय विनय है, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो जनरेट टीम आई के मैच शुरू हो जाएगा। इटाली से चल कर आए हुए अपने भाई रणवीर केसरी जी का मैं भी सहयोग देने के लिए बहुत बहुत उनका भी मैं धन्यवाद। माइक पर इटाली से अनिल केसरी जी। बक्सर जिले में विलुप्त हो रही है रोटरी जैसी संस्था, सिर्फ दशकों से इस आयोजन को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर रही है, आखिर ये विलुप्त होने का कारण क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को आज के 75वां स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जहाँ तक रही बात फुटबॉल की विलुप्त होने की, तो ये खेल कभी विलुप्त न हुआ है और न होगा। और हमारा रोटरी क्लब जब सपोर्ट करता है, ये आयोजन कई वर्षों से होते आ रहा है। डॉक्टर एस सी की स्मृति में हमें जहाँ तक ज्ञात है कि 2001 से ये कंटिन्यू कभी रुका नहीं, कोरोना काल के चलते दो साल स्टे हुआ है, ब्रेक हुआ है, लेकिन हर साल कंटिन्यू होते आ रहा है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब जब तक इस धरती पे हैं तब तक एस डॉक्टर एस मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट होते रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी तरह से जब रोटरी क्लब जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे है, इसको रोटरी क्लब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जब साथ है तो फिर फुटबॉल क्लब लुप्त होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक है, और रोटरी क्लब बक्सर दशकों से फुटबॉल मैच का आयोजन करते आ रहा है। आज फुटबॉल मैच जी देश के अंदर विलुप्त। क्या संदेश ये है कि बक्सर रोटरी 3250 जो हम लोग का नंबर है बक्सर का, अभी हम लोग 32 वर्षों से ये मैच प्रारंभ करके अभी तक प्रयास कर रहे हैं कि लगातार कंटिन्यू बने। सिर्फ दो साल ब्रेक रहा है कोरोना काल में, बाकी कंटिन्यू रोटरी एंड डॉक्टर एस सी के स्मृति में मैच चल रहा है। इसके पहले स्वर्गीय शौकत अली के पिताजी के नाम पे, अली माम के नाम पे ये मैच चलता था, और अब डॉक्टर एस सी के स्मृति में कंटिन्यू चल रहा है और भविष्य में भी ये मैच चलता ही रहेगा। लेकिन
खेल को बढ़ावा देने खेल के बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्लब से अपने माध्यम से जिला प्रशासन की तरफ से हमेशा लगे हुए हैं कि इसको बढ़ावा देते रहें और करते रहें। लेकिन देश के अंदर में खासकर फुटबॉल जैसे खेल आज बिल्कुल इस बात का हम सहमत हैं। इसके लिए हम क्या बताएं, हम किसी जिम्मेदार तो नहीं कर सकते, बट प्रक्रिया चल रही है हम लोगों की, इसको हम लोग जितना उत्थान हो सके करें अपने तरफ से, क्लब की तरफ से और अपने तरफ से। मैं कृष्णानंद सिंह रोटरियन, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब अक्सर और कन्वेनर रहे, लगातार 27 वर्षों से मैच आयोजन मैं ही कराते आ रहा हूँ क्लब के सहयोग से। का ये फंक्शन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आज वर्षों से प्रोग्राम हो रहा है। 1988 में ही शुरू हुआ। 1988 में ये स्वागत जी थे, अपने पिताजी की स्मृति में उन्होंने शुरू कराया और ये चलते रहा लंबे समय तक। जब शौकत जी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी तब तक हमारे बुज़ुर्ग साथी उनके पिताजी डॉक्टर एस सिंह प्रताप सागर के, वो साथ साथ बराबर रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब ने प्रपोजल दिया कि मैच चलना चाहिए, शौकत जी रहें न रहें हम इसको स्पॉन्सर करेंगे पिताजी के नाम पर। और तब से लगातार डॉक्टर आर के सिंह इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और सभी लोग इसमें शामिल रहते हैं, आयोजन कराने में, सहयोग देने में। खिलाड़ी खेलते हैं, उनको मौका मिलता है खेलने का, और टुनू जी जो हैं उस समय से संयोजक हैं, लगे हुए रहते हैं कि मैच का इंतज़ाम ये वो सब करते रहते हैं, इससे कि कम से कम फुटबॉल जिंदा रहे, बराबर चलता रहे, अच्छा रहे, लड़कों का जोश और खरोश बढ़ता रहे। पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से रोटरी क्लब खेलों के लिए बहुत प्रतिबद्ध है और फुटबॉल मैचेज इन लोगों के नाम पर होते आया है और हर साल आज ही के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये खेल यहाँ किला के मैदान में संपन्न होता है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है और खेलों के प्रति समर्पण भावना आती है।